साथियों, सुबह शाम की ठंड और दोपहर की कड़क धूप, मौसम की यह उठापटक हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जब अभी मौसम में परिवर्तन होगा तो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, इनके फैलने का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा होता है और तभी सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, इनसे व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि किस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से घर पर रहकर ही सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से अपने सर्दी और जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट कौन सा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वाशने, संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, जब अभी मौसम में परिवर्तन आता है या हमारा जो टेम्परेचर है, यानी कि हम जिस रूम में थे और जैसे ही हम दूसरे टेम्परेचर में चले जाते हैं, तब इसका अटैक होता है। जनरली सर्दियों में जो हमें कॉमन कोल्ड होता है, उसका जो कारण है वो है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, यानी हमारा रूम गर्म था, हम जब गर्म रूम से बाहर गए, बाहर सर्द हवा चल रही थी, उसने हमें अटैक किया, तब जो कॉमन कोल्ड होगा इसे हम कहेंगे सर्दी लगना। ठीक इसके विपरीत गर्मियों के सीजन में जैसे हम कमरे में थे और हमारा कूलर चल रहा था, एसी चल रहा था, रूम बहुत ठंडा था, जैसे ही हम कमरे से बाहर गए, घर से बाहर निकले और वहाँ तो लू चल रही थी गर्मियों के मौसम में, तो जो अब जो कॉमन कोल्ड होगा उसे हम कहेंगे जुखाम, उसे नहीं कहेंगे कि सर्दी लग गई। गर्मी में कभी नहीं हमारे मुंह से निकलता कि उसको सर्दी लग गई, तब हम कॉमन कोल्ड को बोलेंगे जुखाम का होना। और इसका जो कारण है वो है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट। सर्दियों में विंड कोल्ड और गर्मियों में विंड हीट, हीट का अटैक, लू लगना, है ना, जिसकी वजह से व्यक्ति को कॉमन कोल्ड हो जाता है। अब दोनों के पॉइंट्स अलग अलग हैं कि सर्दियों में यानी कि अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, इसके लिए जो पॉइंट है वो देखिए, ये पॉइंट हमारे हाथों में है। मैं क्लासिकल में भी बता रही हूँ और सुजोग के हिसाब से भी बता रही हूँ, आप दोनों भी कर सकते हैं, या आप सुजोग भी करें, क्लासिकल करें, यदि आप दोनों कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इजी अप्रोच में है। इसलिए देखिए, अपने हाथ को ऐसे किया, अब है ना, इंडेक्स फिंगर इस तरीके से आप अपने हाथ को करेंगे और जहाँ इंडेक्स फिंगर आपकी टच कर रही है, एग्जैक्टली ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है LU7। आप खुद भी अपना करिए, इस तरीके से आप बना लीजिए और जहाँ पर आपकी फिंगर टच करती है टिप इसकी, ये LU7 कहलाएगा। और देखिए क्लासिकल पर तो ये जो LU7 था और इस जगह पे इंडेक्स फिंगर में अपर जॉइंट, जॉइंट से स्लाइटली नीचे टुवार्ड्स थंब, ये भी पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है LU7। पॉइंट सेम है लेकिन सुजोग के हिसाब से ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आ रहा है और क्लासिकल पे ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आ रहा है। ये हमारा ट्रीटमेंट हुआ कॉमन कोल्ड का, यानी कि अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, सर्दी लगना जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं गर्मियों की, जिसे हम कहते हैं जुकाम हो गया किसी को, जिसका कारण था अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट। इसका जो पॉइंट है ये है हमारा थंब, नेल, नेल का बेस ना, और देखिए बिल्कुल टुवार्ड्स फिंगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है LU11, लंग्स 11। और सुजोग के हिसाब से ये पॉइंट देखिए, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर में बिल्कुल टॉप पर ही है टुवार्ड्स थंब, पॉइंट्स का नेम तो सेम ही होगा LU11, लेकिन आप देखिए इंडेक्स फिंगर में ये पॉइंट्स यहाँ पर और क्लासिकल पर ये पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। अब करना क्या है, क्लासिकल के लिए पावरफुल ट्रीटमेंट के लिए हमें ज़रूरत होगी चक्रा मैग्नेट की, एक तरफ से ऐसे, दूसरी तरफ से ये ऐसे होते हैं, और दूसरा
टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की, ये भी एक तरफ से ऐसे और दूसरी तरफ से ये ऐसे होते हैं, टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट। पेपर टेप की अब चिपकाएंगे कैसे, अब देखिए हम पेपर टेप में हमें इस तरीके से चक्रा मैग्नेट को लगाना है कि स्किन पे जो टच होगा वो ये कलर और लगने के बाद जो बाहर से दिखाई देगा वो ये, जो ये हमारा पॉइंट था LU7। ये कब करना है, सर्दी लगने में। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट पर सेडेशन का चक्रा मैग्नेट लगा सकते हैं और वहीं LU7 सुजोक के हिसाब से सेडेशन में देखिए पेपर टेप में जो मतलब स्किन को जो टच होगा वो वाइट और लगने के बाद बाहर से पेपर टेप के बाहर जो दिखाई देगा वो येलो, और जो ये पॉइंट था सुजोक के हिसाब से LU7, इस पर हम इस तरीके से एक एक टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को लगा लेंगे। अब बात करते हैं अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट, लू लगना या जो हम कहते हैं गर्मियों के मौसम में जुकाम हो गया उसका, इस पर भी हम इस तरीके से चक्रा मैग्नेट को लगाएंगे कि स्किन को जो टच करेगा वो ये, लगने के बाद जो बाहर से दिखाई देगा वो ये कलर। ये पॉइंट था LU11, इसके ऊपर आप इस तरीके से एक एक, थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ मैं कि इस तरीके से आप पेपर टेप की मदद से चक्रा मैग्नेट को लगा लीजिए, आपने लपेट लिया। और ये भी जो पॉइंट था LU11 सुजोक के हिसाब से, यहाँ पर भी आप एक एक ब्योल मैग्नेट लगा लीजिए। स्किन को जो टच होगा वो वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा वो येलो, यानी कि हम दोनों ही पॉइंट्स को हम सडेट कर रहे हैं, ऊर्जा को घटा रहे हैं। चक्रा मैग्नेट से भी हमने सडेट किया और टोनिफिकेशन सडेशन मैग्नेट से भी हमने पॉइंट को सडेट किया। बाइलेटरल है पॉइंट दोनों ही हाथों में, आप जल्दी से अपने को ठीक करना चाहते हैं यानी कि बहुत जल्दी कॉमन कोल्ड से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप दोनों ही हाथों में इस पॉइंट को इस्तेमाल करें और बहुत जल्दी से अपने छुटकारा पाएं अपनी सर्दी से, है ना, या जुकाम से। साथियों यदि आपको भी आवश्यकता है इन मैग्नेट्स की तो जो नीचे वेबसाइट के लिंक है यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आप भी ग्रसित हैं किसी परेशानी से और हमसे उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।